किरचॉफ लॉ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर दो लॉज हैं, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ और किरचॉफ का सेकेंड लॉ। तो दो लॉज हैं, फर्स्ट लॉ को जंक्शन लॉ भी बोलते हैं और सेकेंड लॉ को लूप लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्लोज लूप में लगता है। अगर हम जंक्शन लॉ की बात करते हैं तो कोई भी एक जंक्शन ले लो, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ में कोई भी एक जंक्शन ले लो, जैसे ये जंक्शन है, यहाँ पर कुछ वायर्स का जंक्शन है, इसमें करंट कुछ वायर में जंक्शन की तरफ आ रहा है और कुछ में जंक्शन से दूर जा रहा है, राइट? तो ये तो बात पक्की है कि सम ऑफ ऑल करंट्स जो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट, तो जंक्शन से दूर जा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन फॉलो कर रहा है कि एक सेकेंड में टोटल चार्ज जो आ रहा है, एक सेकेंड में उतना ही टोटल चार्ज जाएगा भी। तो यानी कि इनकमिंग करंट क्या है, जंक्शन की तरफ I1 प्लस I2, और आउटगोइंग क्या है, I3 प्लस I4। क्लियर है यहां तक? ये फर्स्ट लॉ है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद चार्ज कंजर्वेशन। तो ये चार्ज कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि सम ऑफ ऑल द करंट्स, मैंने क्या बताया, पर यूनिट जो चार्ज है, चार्ज की वैल्यू जो एक सेकंड में आ रही है उतनी ही जा रही है। लेकिन जो किरचॉफ का सेकंड लॉ, लूप लॉ, उसके अकॉर्डिंगली कोई भी एक क्लोज लूप ले लें, जैसे मान लो ये एक बैटरी है E1, इसकी EMF E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, इसकी नेग्लिजिबल है, पॉजिटिव नेगेटिव रेजिस्टेंस लगी हुई है R1, R2, R3, R4, R5, नेगेटिव पॉजिटिव। तो दो बैटरीज हैं, एक की EMF E1 है, एक की EMF E2 है। तो लेट अस सपोज इसमें से जो करंट निकला वो निकला I, करंट की डिस्ट्रीब्यूशन देखो, करंट निकला आए, सामने एक जंक्शन आ गया, जंक्शन में करंट कुछ सामने जाएगा और कुछ नीचे आ जाएगा। तो मान लो इस वायर में करंट नीचे कितना आया, आई डैश, तो बचा हुआ कितना है, आई माइनस आई डैश सीधा चला जाएगा। अब यहां से आई माइनस आई डैश आया, और हमने लास्ट में एक रूल डिस्कस किया था कि बैटरी में जितना भी करंट एंटर करेगा किसी भी टर्मिनल में, उतना ही करंट बैटरी के दूसरे टर्मिनल से बाहर भी निकलेगा। इसमें अगर करंट I माइनस I डैश है तो यहां पे करंट I माइनस I डैश होगा, यहां पे करंट I माइनस I डैश है, यहां से करंट I डैश है। अब जंक्शन लॉ क्या कहता है, सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट का सम जो होगा वो अल्टीमेटली एड होने के बाद यहां चला जाएगा। तो यहां पे क्या करंट होगा, इन दोनों को एड करेंगे, I डैश कैंसिल, बचेगा क्या, I। और रूल बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने आई करंट बाहर निकाला, तो आई करंट इसमें क्या होगा, एंटर भी करेगा, राइट? तो हमारी करंट की डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सही है। कैसे पता लगा, क्योंकि एकदम जंक्शन के लॉज बिल्कुल सही लगा रहे हैं, और दूसरा बैटरी के टर्मिनल से जितना करंट बाहर निकलेगा उतना ही एंटर करेगा, अगर आ रहा है तो सही है। अब कोई स्टूडेंट ये कहता है कि मान लो आई करंट में लेता हूं, यहां पे वो कहता है कि अगर मैं यहां पर I1 ले लूं और यहां I -I1 ले लूं चलेगा, जो मर्जी लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जंक्शन का लॉस सही लगाना है। और कोई कहता है जी मैं यहां से I करंट निकाल देता हूं, फिर यहां डिवाइड कर देता हूं I1 और I -I1, हाँ तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये रूल याद रखना कि जितना करंट बैटरी ने रिलीज किया उतना ही एंटर भी करेगा। अगर ऐसा कर पा रहे हो, आपकी करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही है। खैर, करंट डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम आने वाले टाइम में हम करेंगे। अभी इमेजिन कर लो कि मैंने आपको करंट दे दिए, क्योंकि मैं यहां पर आपको करंट की डिस्ट्रीब्यूशन करने नहीं सिखा रहा, मैं यहां पर आपको क्या सिखा रहा हूं, लूप लॉ या किरचॉफ का सेकंड लॉ लगेगा कैसे। तो किरचॉफ का सेकंड लॉ अगर आपको इसमें लगाना है तो कोई भी एक क्लोज लूप ले लो। अब क्लोज लूप क्या है, ये एक क्लोज लूप है, क्लोज लूप क्या है, ये एक क्लोज लूप है, तो दोनों में लगा के देखते हैं। तो जब मैं किरचॉफ का लॉ यहां लगाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, लगाना कैसे है ये देखो, रास्ते में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस आएंगे, जैसे यहां पर ओम लॉ लगाओ, पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया इसके अक्रॉस आई इनटू R1। तो रूल है, अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर आप लूप को कैसे घुमा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप जो कि क्या होगा इसमें आई इनटू R1, वो नेगेटिव होगा, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। और अगर आप करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट आ रहे हैं, जैसे अगर मैं उल्टा आ रहा होता, यहां से यहां आ रहा होता, करंट इधर जा रहा है मैं यहां आ रहा हूं, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता, पॉजिटिव, I into R1 पॉजिटिव।
राइट, ठीक है। तो इसके अंदर स्टार्ट करते हैं, मान लो मैं ऐसे लूप घुमाता हूं, तो अगर मैं लूप यहां लेके जा रहा हूं तो i इंटू आर वन क्या होगा, नेगेटिव, माइनस i इंटू आर वन, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव। मैं नीचे आ रहा हूं, मैं फिर से करंट की डायरेक्शन में नीचे आ रहा हूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, i डैश इंटू आर टू, लेकिन क्या होगा, नेगेटिव। फिर मैं इधर से इधर आ रहा हूं तो i इंटू आर थ्री क्या होगा, फिर से नेगेटिव, नेगेटिव। अब रास्ते में क्या आ गई, बैटरी। बैटरी का कौन सा टर्मिनल रास्ते में आया, पहले नेगेटिव और फिर क्या आया, पॉजिटिव। नेगेटिव लोअर पोटेंशियल होता है और पॉजिटिव हायर होता है, तो क्योंकि मैं लोअर से हायर जा रहा हूं तो मेरा ई बढ़ गया, मेरा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, बढ़ेगा तो साइन क्या आएगा, प्लस ई वन इक्वल टू जीरो, घटेगा तो माइनस, बढ़ेगा तो प्लस। और जब हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, घट जाता है। तो इसके अंदर ये फर्स्ट लॉ फिर से लगाते हैं एक बार, मान लो मैं यहां से घूम के वापस आता हूं, तो एक बार मैं फिर से करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो माइनस आर फोर इंटू आई माइनस आई डैश। फिर मैं नीचे आ रहा हूं तो मैं माइनस से प्लस पे आ रहा हूं, नेगेटिव से पॉजिटिव पे आ रहा हूं, लोअर से हायर पे आ रहा हूं तो प्लस ई टू। फिर मैं यहां से यहां आ रहा हूं तो करंट की डायरेक्शन में आ रहा हूं तो माइनस आर फाइव इंटू आई माइनस आई डैश। फिर मैं ऊपर आ रहा हूं लेकिन करंट नीचे आ रहा है, मैं करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहा हूं, अगर मैं करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहा हूं तो प्लस आई डैश इंटू आर टू और मस्ट बी इक्वल टू क्या, जीरो, राइट। तो ऐसे हम लगाने आने वाले टाइम में इसको लगाना सीखेंगे, बस एक आइडिया दे रहा हूं कि कैसे एक लूप के अंदर हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब दूसरी चीज इसमें, इस लॉ, ये जो लॉ है इट इज इन अकॉर्डेंस विद एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, और वर्क डन बाय चार्ज का मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी इन्वॉल्वड है, जूल। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है, ये याद रखना। अब कई लोग ये सोचेंगे कि ये प्लस माइनस का चक्कर क्या है, किरचॉफ ने कैसे डिसाइड किया कि करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस होगा, ऑपोजिट प्लस होगा। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूं ये साइन कन्वेंशन कैसे बनी, हम क्यों माइनस प्लस ले रहे हैं। इमेजिन करो कि आपके पास एक, सपोज कोई भी एक पॉइंट है ए, रास्ते में एक रेजिस्टर लगा हुआ है, और ये पॉइंट है बी, ये क्या है आर। मान लो यहां का पोटेंशियल है वी ए और यहां का पोटेंशियल है वी बी, और ये मान लो कि वी ए हायर पोटेंशियल पे है, वी बी लोअर पोटेंशियल पे है, तो करंट विल मूव फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, कोई डाउट इसमें। तो आई करंट जो है वो हायर से लोअर की तरफ जाएगा, क्लियर है यहां तक। अब एक बात बताओ मुझे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी की वैल्यू क्या होगी, आई इंटू आर, सही है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इज इक्वल टू आई इंटू आर, सही है यहां तक। या फिर यहां से वी ए, वी ए आई आर को लेफ्ट पे ले आओ तो क्या बनेगा, माइनस आई आर, ठीक। और माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या, जीरो, ऐसे ही है। वी ए हायर पोटेंशियल पे, आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस आई आर, वी बी लोअर पोटेंशियल पे, नेगेटिव पोटेंशियल पे, तो टोटल पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल और करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं पोटेंशियल ड्रॉप का सम क्या है, इक्वल टू जीरो। हालांकि ये लूप नहीं है, फिर भी मैंने ये प्रूव कर दिया कि कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट इसके ऊपर कैसे लगता है, पोटेंशियल ड्रॉप के माइनस आई आर क्यों लगाते हैं, ठीक। तो जस्ट आइडिया दे रहा हूं, हालांकि ये लूप लॉ नहीं है, बस आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि ऐसा क्यों बनाया गया है कि करंट के डायरेक्शन में जब हम जाते हैं तो उसमें माइनस क्यों लेते हैं। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, लूप लॉ कैसे लगाना है ये आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। पर हाँ, अगर बीच में कहीं लगाना पड़ जाए मेरे को, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि लूप लॉ हम कैसे लगाते हैं।
बस दैट्स इट, ये इसका काम है।